बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जीआईटी फार्माकोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी दफ़ा इसमें से एमसीक्यूज वगैरह भी आए हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ से पहले हम ड्रग वगैरह करते हैं, ड्रग फॉर द पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की, ठीक है। तो इसके साथ से पहले आपने क्लासिफिकेशन चेक करनी है, ठीक है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन आ जाएगी, एंटासिड क्लासिफिकेशन वगैरह आ जाएगी। तो इसके अंदर वो देखनी है, वो डाइटरी होगी, फिजिकल होगी, केमिकल होगी। डाइट के अंदर फैट्स, ऑयल, मिल्क वगैरह आ जाएगी। एंड केमिकल के अंदर मैग्नीशियम एंड सिस्टेमिक, नॉन सिस्टेमिक दोनों ही ये केमिकल्स वगैरह चेक करने हैं आपने। फिजिकल के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड गैस्ट्रिक एब्यूसिव वगैरह आ जाएगा। तो ये इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी। सेकेंड क्लासिफिकेशन के अंदर गैस्ट्रिक एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स वगैरह आ जाएगी। इसके अंदर एच टू रिसेप्टर एग्निस्ट वगैरह आ जाएगी, एंटी मस्कुलिनिक्स आ जाएगी, प्रोटॉन पाप इनहिबिटर्स वगैरह आ जाएगी। इसके अंदर सारे जो ड्रग्स हैं ये आप देखिए, सारे ड्रग्स याद कर दी है, सिंपल लिखा हुआ है, कोई तरह मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इसके अंदर अमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन वगैरह ये चेक कर दिया आपने। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर ये सारी ये दो ड्रग्स हैं वो आप देख ले रही है। और म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स के अंदर बिस्मथ, सर्कलेफ्स वगैरह आ जाएगी, ठीक है ना, वो आप देख रही है। तो आगे आप बात करते हैं एंटी एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग्स। एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग्स कौन सी होगी, ठीक है ना। पेप्टिक अल्सर और एसिडिक पेप्टिक डिजीज के अंदर सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब एसिडिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ एचसीएल, मैदे के अंदर जो सिक्रीशन होगी वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब वो इंक्रीज होगी सेंसेशन ऑफ आफ्टर बीन, खाना खाने के बाद आपको सेंसेशन आना शुरू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज एसिडिटी आपकी तेजाबियत मैदे के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, पेरिस्टाल्सिस मोबट जिसे कहेंगे। तो वो क्या होगा, बैट एसोफिगस देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन पाप इनहिबिटर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉन पाप इनहिबिटर्स जो होगी ये पैराइटल सेल्स के अंदर देखने को मिलेगी, मेम्ब्रेन बॉन्ड प्रोटॉन पाप देखने को मिलेगा। इसके अंदर एच पॉजिटिव आयन की सेक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन पीएच डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी, ब्लड की। और एसिडिटी इंक्रीज देखने को मिलेगी। स्टमक की पीएच जो होगी 1.5 देखने को मिलेगी, ये आपने चेक करना है। गैस्ट्रिक एंटी सिक्रीटिंग ड्रग जो है ये आपने 4-5 है, उसके नाम याद कर लेने हैं। ये जो ड्रग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने नाम याद करना है। उसके बाद प्रोटॉन पाप इनहिबिटर है, इसके भी आपने 5-6 ड्रग्स के नाम याद कर लेने हैं, ठीक है ना। आगे उसके बाद ये सारे ड्रग्स के हैं जो नाम मैंने बता रहा हूँ, ये आपने देख लेने हैं, ठीक है ना। ये सिंपल लिखा हुआ, बस जस्ट आपने रीड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो अब इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाएगी इसके अंदर, वो ये आएगी कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ एक पीछे रह गई थी, वो मैं बताता हूँ आपको। हाँ, इसके अंदर स्टिमुलेंट्स आ जाएगी, इसके अंदर ना ये स्टिमुलेंट्स है, ये आपने याद करने हैं। इसके अंदर ये जो स्टिमुलेंट्स है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके अंदर फिर इसके अंदर सारा कुछ डिटेल्स आती है, चार स्टिमुलेंट्स है, ये आपने याद कर लेने हैं। तो आज मैं ये भी